सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध किसान आंदोलन जैसी राह पर पड़ता दिख रहा है। हरियाणा की कुछ खाप पंचायतों के नेताओं ने अपील की है कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यही नहीं, खाप नेताओं ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के विरोध का भी आह्वान किया है। इसके अलावा स्कीम का सपोर्ट करने वाले कॉर्पोरेट घरों का भी विरोध करने की बात की जा रही है। बता दें कि आनंद महिंद्रा समेत कई कारोबारियों ने इस स्कीम का समर्थन किया है और अग्निवीर के तौर पर सेवा मुक्त होने वाले युवाओं को नौकरी देने का भरोसा दिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला कस्बे में खाप पंचायत और कुछ दूसरे समुदायों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से आए नेता शामिल हुए। इसके अलावा कुछ छात्र संगठनों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले धनखड़ खाप के नेता ओपी धनखड़ ने कहा कि हम उन लोगों को समाज में अलग थलग करने का प्रयास करेंगे जो इस स्कीम के तहत नौकरी के लिए आवेदन करेगा। हम इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं जो अग्निवीर के नाम पर युवाओं को मजदूर बनाने की कोशिश है। जो ये बच्चे, कोई भी बच्चा जो फार्म भरेगा किसी किस्म का, ये जो इस अग्निवीर जो इसके लिए इन पोस्टों के लिए ये मजदूर बनने के लिए, ये किसी को नहीं चाहिए। इस सरकार को, इस नई पंचायत को, इनको कति अच्छा नहीं लगी, ये कति जमा इसका बहिष्कार तो होगा इस स्कीम का इनका। बाकी अगर किसी बच्चे ने फार्म भर दिया तो ये समझ लो भाई समाज उसको अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। बहिष्कार होगा उसका? नहीं, बहिष्कार का शब्द तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी ये है कि भाई उसको अलग थलग मान लिया जाएगा। यात्राएं अलग अलग जगह से आने की बात कर रहे हैं। यात्राएं जितनी भी आएंगी, जो भी यहाँ आएगी, यहाँ सबका स्वागत कराया जाएगा और उसके बाद में अगला प्रोग्राम कराया जाएगा। धनखड़ ने आगे कहा, बॉयकॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन उनसे सामाजिक दूरी रखी जाएगी। दरअसल सेना के अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। योजना के मुताबिक अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वाले लोगों का कार्यकाल 4 साल का होगा और उसके बाद 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बाकी 25% लोगों को नियमित सैनिक के तौर पर भर्ती किया जाएगा। हालांकि सेवा मुक्त होने वाले 75% सैनिकों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके आधार पर तमाम सरकारी सेवाओं और अर्ध सैनिक बलों की भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से नैलानों के बाद भी यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस स्कीम का विरोध हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।